हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ मिल रहा है। हाँ, उम्मीद है कि जेई मेन का लास्ट डेट आ रहा है, मुझे पता है। एक जनवरी को लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके फॉर्म फिलअप करो। और भी सारे बहुत तो ये फॉर्म आने वाला है, अभी इसको कंप्लीट करके नहीं करोगे तो क्या कैसे चलेगा? 16 को ज़्यादा नहीं है यार, आज है आपका 9 जैन और आपका आ गया 16 जैन को, यानी सिर्फ आपकी 1 वीक बचा है आपको एक फॉर्म फिलअप करने में। तो बिना देर किए उसे तो पहले फॉर्म फिलअप कर लो, उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा यार, अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो। क्या पता यार आप लोग, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग बहुत, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, सिर्फ जेई मेन बहुत सारे देंगे, लेकिन उसके अलावा भी और भी बच्चे हैं जो जेई मेन के अलावा भी और कुछ एडमिशन देना चाहेंगे। आज ऐसे मैं एक कॉलेज की बात करूँगा, मतलब ये धांसू कॉलेज है। पता है कि धांसू, जब कोई कोई कॉलेज या किसी चीज़ के बारे में जब धांसू वार्ड यूज किया जा सकता है, मतलब वो समझ सकते हो कि वो क्या चीज़ हो सकती है। चलिए आज की बात करेंगे हम WBJEE से मिलते हैं, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके बारे में, ठीक है ना। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो हम आपको बताएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कैसे कहाँ से किस तरीके से कैसे एडमिशन ले, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टीज़ क्या है, प्लेसमेंट क्या है। भाई प्लेसमेंट के देखोगे तो यार चौंक जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो, अगर किसी भी कोई भी सवाल है तो मेरे जो सोशल मीडिया में है उसे जाकर, यार स्क्रीन पे शो हो रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह में कहीं भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मुझे पिंग करो यार, मुझे मैसेज करो। कोई भी अगर आपका क्वारी होगा या कोई भी सवाल रहेगा तो वहाँ पे मुझे पूछो, वरना कॉलेज का रिव्यू कैसा रहा वो तो आप कमेंट में बता ही दोगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, अब सब्सक्राइब अगर कर भी दिया तो बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि एक बेल आइकन को दबा देने से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल सकता है। जितने भी मैं ऐसे वीडियोज लाऊंगा, मैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, एंड उसके बाद अगर सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। या एस्टैब्लिश एंड लोकेशन, देखो यार फॉर्मली ये 1905 में ये जो कॉलेज इस्टाब्लिश हुआ था बैंगलोर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से, लेकिन बाद में ये 1955 से लेके आज तक जो इसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अगर एड्रेस की बात करूँ तो कोलकाता में है पूरा प्रॉपर एड्रेस, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर पहुँचे कैसे कॉलेज में तो उसके लिए मैं बता दूँगी, कोलकाता में जो सियालदा बहुत ही पॉपुलर स्टेशन है, रेल स्टेशन है, वहाँ से आपको 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप रोड से जाओगे, बाय रोड आपको जाना, डिस्टेंस तो होता होगा 7 किलोमीटर, लेकिन अगर रोड से जाना पड़ेगा तब तो आपको 9.4 किलोमीटर आपको तक। अगर किसी को बाय एयर जाना हो तो वो क्या करे, कोलकाता एयरपोर्ट है भाई, कोलकाता एयरपोर्ट से आप जा सकते हो। बेसिकली इसका डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, लेकिन आपको
बाय रोड जाना पड़ेगा 22.6 किलोमीटर है आपका एक जादवपुर का जो एक बिल्डिंग बिल्डिंग की बात करें तो घबराना मत यार, बिल्डिंग थोड़ा आपको शायद ही बिट्स या जैसे और भी बहुत सारे एमिटी जैसे थापड़ या फिर एसआरएम जैसे बिल्डिंग नहीं मिलेगा, लेकिन यार इस पे ध्यान मत दो। जो मैं बात इसके बाद टॉपिक में बताऊंगा उसके लिए कुछ बेसिक सा चीज़ जो आपको जानना चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट में 6,283 स्टूडेंट रहते हैं, उस उनमें से पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाई करते हैं 3,588 बेसिकली ए, जो कि हर साल इसका बजट, यार बिल्डिंग इतना छोटा है कैसे मैं आपको बता दूंगा, बजट देखो यार 954 करोड़ दो की 20 से 21 की ये है, ठीक है ना। पहले तो और भी कम बजट मिलता था इसलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, ठीक है ना। अब चलिए कहते हैं कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन यूजीसी से तो एप्लीकेशन मिला है नैक A+। यार A+ कैटेगरी का, ठीक है ना, ए कैटेगरी का ये जो कि इसे एप्लीकेशन मिल चुका है और AICTE भी एप्लीकेशन मिल चुका है। अगर आप जानना चाहते हो इसकी वेबसाइट में तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेबसाइट, यहाँ से आप जा सकते हो गूगल पे टाइप करके। अब चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे, और अगर कैंपस की बात करूँ तो टोटल दो कैंपस है, ठीक है ना। जादवपुर यूनिवर्सिटी में टोटल दो कैंपस है, जो एक है 58 एकड़ की और दूसरा है सॉल्ट लेक जो कि उसका दूसरा कैंपस है 26 एकर की। अब बताओगे आप बोलना चाहते हो कि दो कैंपस क्यों है, दो कैंपस में प्लेसमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर दूसरे की भी कम या ज़्यादा मिलेगी क्या, ऐसा कुछ नहीं है यार, बस स्टूडेंट इतना ज़्यादा है इसलिए इन लोगों को दो कैंपस करना पड़ा, लेकिन बाकी की सब सारे की सारी फैसिलिटी सब सेम है, ठीक है ना, लगभग सेम है। अब आते हैं इसमें एक बात कि डीआरडीओ को पता है कि डीआरडीओ जो कि हमारे पूरे इंडिया को हथियार सप्लाई करता है, ठीक है ना, पूरे गवर्नमेंट को हथियार सप्लाई करता है, ये एक बेसिकली ये आप पढ़ भी सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जादवपुर में एक अलग सा इनको अपना जो जादवपुर में अपना रिसर्च के लिए या फिर आपको उनको प्रोवाइड रिसर्च करने के लिए एक अलग से रिसर्च सेंटर बनवाना चाहते हैं, कुछ तो बन भी चुकी है लेकिन जो जगह है या फिर जो प्लेस है वो बहुत छोटी पड़ेगी। बाद में बेसिकली इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिपार्टमेंट वालों को तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगी, ठीक है ना। अब चलिए कि जो ये दरअसल राजा SC मलिक रोड जो कि कोलकाता में है, कोलकाता में आपको ये जाके मिल जाएगा। थोड़ा बहुत डिटेल जानना हो तो स्क्रीन पे हो रहा है वो आप पढ़ लेना, वरना अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है ना, मैं तो बोलने के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे। अब रैंकिंग की बात करता हूँ, रैंकिंग यार ये मैंने क्या लिख दिया, रैंकिंग तो NRF रैंक होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, मैंने तो पूरा इससे लिख दिया, ऐसा नहीं है यार। अगर आप ये इसे पढ़ने में प्रॉब्लम है इससे मैंने ये दिया कि मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर दिक्कत आपको हो रही है तो कोई वही नहीं यार, मैंने शॉर्ट उसके लिए भी एक प्रोसेस लगाया है, ठीक है ना। वो है QS World 2021 में 651 से लेकर 700 तक इसका रैंक, बीच में इसका रैंक है। अब ये पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है ना। अब 20 में 136 जो कि एशिया में है, पूरे एशिया में, एंड टाइम्स ऑफ वर्ल्ड के तरफ से 801 से लेकर 1000 के बीच में इसका रैंक वेरी करता है। अब NRF रैंक की बात करूँ तो ओवरऑल 20 मतलब कि 12 ऑल ओवर इंडिया 20 में जो कि इसका NRF रैंक है, जेनरल NRF रैंक है वो 12 है। NRF यूनिवर्सिटी में से है 5, मतलब कि जितने यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में उनमें से है 5। अगर बात करूँ कि वीक द वीक यूनिवर्सिटी में अंदर आता है 2019 के 5, एंड NRF 2020 की बात करूँ तो 17 इन इंजीनियरिंग, समझ सकते हो यार 17 इन इंजीनियरिंग, 23 तो IIT है, मतलब कि ये IIT को भी पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे फैकल्टीज की, फैकल्टीज की बात क्या करूँ यार, फैकल्टीज देखो यार बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फैकल्टी ऑफ साइंस, लेकिन हम बात करेंगे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये आपका हो गया फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखो इसका सबसे बड़ा बात है कि ये स्टेट गवर्नमेंट फंड से है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको लैब मिल जाएंगे
और बैडमिंटन करने से या फिर हर एक चीज मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा अगर आप एक कंपेयर करो किसी आईआईटी या फिर किसी बीट्स या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, उतना ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से फंड बहुत ही कम मिलता है। लेकिन ऐसे इस मैं तो अपने पर्सनल राय से मैं बताऊंगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी को यार सेंट्रल में होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। मैं अगर प्लेसमेंट फीस की अगर आगे आगे चलते बात करूँ, इसलिए भाई पूरा वीडियो को देखना, ठीक है ना। पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तो यार प्रॉब्लम होगी, पूरा समझ में नहीं आएगा, कि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम पूरा वीडियो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना स्किप किए हुए देखोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा, इस पर नफरत फैल जाएगी या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी की 1,15,000 पूरे बुक की कलेक्शन है, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में है। अगर बाकी फैकल्टीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल आपका है, जिम है आपका, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है एंड टेबल टेनिस कोर्ट है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। बस उतना ज़्यादा बहुत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तरह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके फीस को अगर देखोगे तो यार ये दे रहा है, यही आपके लिए बेहतर है। मैं तो बताऊंगा एक सिर्फ जो फीस में आपको, तो मतलब अगर क्या बताऊं, कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को भी खत्म करना है, बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं मिला होगा। मैंने अब बताऊं कैसे कि कैसे वीडियो लगा वो तो बता देना। अगर आपको मैं चैलेंज करता हूँ किसी इससे इसमें अगर बहुत ही किसी ने किसी और जगह से आपको इससे ज़्यादा या फिर मेरे इस वीडियो में कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर छूटे, ऐसा नहीं हो सकता कि छूटा नहीं है, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि इसमें छूटा नहीं है। अगर फिर भी छूट जाए तो कमेंट में बता देना यार, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दूसरे और बढ़ते हैं। फीस फीस की बात करूँ तो यार इंस्टीट्यूट फीस जो कि है 5,710, मतलब पूरी फीस फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना यार। अगर बात करूँ फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज अदर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा ये जो आपका फीस है, बाकी जितने भी ब्रांच है, CSE हो गया, IE हो गया, या ME हो गया, CE हो गया, जितना भी बेंच है उसमें पूरे 2 ईयर्स की ये फीस है। पूरे 2 ईयर्स से ये मार्क करो यार, पूरे 2 ईयर्स की, समझ सकते हो ना, ये सेमेस्टर की है ना ही 1 ईयर की, पूरे 2 ईयर की 5,710 रुपीज़ है। अगर हॉस्टल फीस की बात करूँ तो हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग मेस आपको 3,000 एडवांस देना पड़ेगा। एंड हॉस्टल रेंट की बात करूँ तो पर ईयर आपको इस 180 रुपये भाई, 180 रुपये पूरे ये हॉस्टल की चार्ज है पूरे ईयर की। यार इतने तो यार क्या बताऊँ यार, पूरे तो यार आपका तो हर वक्त हर दिन आपको बैलेंस चल जाता है इतना, यार क्या बताऊँ। पेन में कितना, 1,800 रुपये की पेन चल जाती है एक साल में, ठीक है ना, पेन की इंक चल जाती है इतने खरीदने में, अब क्या बताएं। 180 है तो है, बहुत ही बढ़िया है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बताऊं तो पूरी ईयर में 120, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मेरे लैपटॉप की अगर चार्ज, मैं अपना लैपटॉप चार्ज करता हूँ पूरे एक महीने में ये 120 का ले देता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ पूरे ईयर की, आप रहोगे पढ़ोगे सबके साथ आपको 120 रुपये मेस चार्ज टू बी पेड एट एक्चुअल। तो ये हो गया आपका फीस के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं मैं मोड ऑफ एडमिशन, यार सब तो हो गया, अब एडमिशन कैसे लें। देखो यार, सबसे पहले आपको WBJEE एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ WBJEE और कोई भी तरीका, ना ही आपका ना ही मैनेजमेंट कोटा हो गया, ना ही मैनेजमेंट कोटा या फिर डोनेशन वोनेशन, ऐसा कुछ भी तरीका नहीं है आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। भाई इतना टॉप लेवल का कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, आपको कैसे मिलेगा ये मैनेजमेंट कोटा। भाई आपको सिर्फ WBJEE क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपकी कटअप की बात करूँ तो इस साल कटअप थोड़ा नीचे गिर गया था, लेकिन हर साल कटअप बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं दूसरे और कि इस WBJEE एक थ्रू आपको काउंसलिंग का, सबसे पहले WBJEE कंडक्ट करना पड़ेगा। ये बेसिकली यार अगर 2020 की बात करूँ तो फेब 2 में, मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा याद है फेब 2 में, इसका फेब 2, ठीक है ना, आपका टू
फैब 2 में आपका ये हुआ था, कंडक्ट किया गया था, एंड उसके बाद इसका काउंसलिंग, ये फिलहाल हाल ही में इसका काउंसलिंग खत्म हुआ है, ठीक है ना। इस साल हाल ही में मतलब फेब 2020 का जो काउंसलिंग वो हाल ही में खत्म हुआ है। हो सकता है बहुत सारी वजह हो सकती है, वो हो सकता है कोरोना या फिर और भी बहुत सारे वजह से इस बार इतने पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी, सबसे लंबी काउंसलिंग करवाई गई है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, हु वॉन्ट टू स्टडी ऑफ आउट ऑफ इंडिया। देखो यार, इसमें बेसिकली ये जो जादवपुर होता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विद मनोयामा गोकुन यूनिवर्सिटी जापान। भाई ये क्या बोल रहा है यार, मनोयामा गोकुन यूनिवर्सिटी, ये क्या होता है फिर जापान से? भाई इसके साथ इसका लिंक क्या है, और मनोयामा यूनिवर्सिटी क्या है? मैंने तो कभी नाम भी सुना नहीं है यार, कम से कम पिक्चर तो दिखा यार। कोई बात नहीं, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर पिक्चर की बात करो, ये देखो यार पिक्चर, अब पिक्चर देख के आप ये मत सोचना कि मैं तो यार जादवपुर जाऊंगा सिर्फ जापान जाने के लिए, ठीक है यार। ऐसा नहीं है यार, सिर्फ आपको इसकी बहुत ही, क्या बताऊँ आपको, क्या वो नेगेटिव पॉइंट जिसे बोल सकते हो, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को ही ये मौका मिलता है, ठीक है ना। ओनली फॉर 2 स्टूडेंट्स आपको मौका मिलेगा जापान जाने की। पूरे 1 ईयर की कोर्स होगा, यानी 2 सेमेस्टर आप बता सकते हो। टोटल 100 स्टूडेंट्स जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, 20 डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज से मतलब 2-3 बच्चे ऐसे करके जाते हैं। और अगर जेयू की बात करूँ तो जेयू में सिर्फ 2 बच्चे लिया जाता है। अगर सेमेस्टर फीस की बात करूँ तो 28,237.78 रुपीज लगेगा आपका सेमिस्टर फीस। हाँ, ये आपने सही सुना है यार, यहाँ पे आपको खुद से पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको खुद से पे कर, लेकिन इसका इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिलेगा स्कॉलरशिप यार 56,475 रुपीज आपको हर महीने की आपको मिलेगा, जो कि स्कॉलरशिप। तो भाई फायदा ही फायदा है, मतलब क्या बताऊँ आपको, हर तरीके से फायदा है। आप एक तो इतने कम फीस में आप पूरे बीटेक कर रहे हो, ऊपर से जापान में आपको यार बहुत ज़्यादा आपका टैलेंट है, तो आप जा सकते हो। 2 स्टूडेंट्स आप खुद, हमेशा ये सोचना कि चाहे एक सीट होना क्यों, वो सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। अब दूसरे और चलते हैं, सीट्स एंड रिजर्वेशन। देखो यार, पूरी तरीके से ये 90% पूरे वेस्ट बंगाल वालों की है, बंगाल वाले बच्चे की। तो भाई वाह वाह, कोई बात नहीं यार, हर हर स्टेट में ऐसा होता है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे होता है। एंड नो रिजर्वेशन फॉर आउटसाइड वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स, ऑल आर कंसिडर्ड एज जनरल। देखो यार, बाकी के जितने भी सारे बच्चे हैं वो तो इन जनरली काउंटिंग होंगे। अब आप एडमिशन दे सकते हो, आप ये जो कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर जब एडमिशन होगा या फिर जब काउंसलिंग होगा, तो 90% सीट्स जो कि बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए करते हैं कटअप की बात। भाई सब तो बता दिया, कटअप भी बता दे यार क्या होता है कटअप। देखो यार, मैंने यहाँ कटअप के बारे में पूरे डिटेल्स एनालिसिस किया है। इस साल एक कटअप आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर पिछले जितने भी साल की अगर कटअप आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई रहा था, इस साल थोड़ा कम है। क्योंकि इस साल कुछ वजह हो सकती है, हो सकता है वो कोरोना हो सकता है, ठीक है ना भाई, कोरोना हो सकता है, या फिर आपको क्या बताऊँ, लॉकडाउन, कोरोना के वजह से आपका लॉकडाउन आया था, ठीक है ना, लॉकडाउन भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी बात हो सकती है। यहाँ पे मैंने दे दिया, मैं हर एक का मेंशन नहीं कर रहा, जैसे कि CSE का 216 पे ही होम स्टेट में ख़त्म हो गया था, और आउट स्टेट के लिए जो कि 71 पे ही ख़त्म हो गया था। यार HS का मतलब होम स्टेट, पता है ना आपको, मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा यार। यहाँ पे देख लो यार, मैंने मैंसन कर दिया। एंड OS का मतलब होता है आउटसाइड स्टेट। तो यार हर एक को मेंशन करके मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप हो सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, लेकिन एक बात दिमाग में, जहन में डाल लेना कि ऐसा आपको जो आने वाला साल 2021 या फिर इस साल आपको नहीं मिलता है। क्योंकि हर साल ऐसा नहीं होता, इस साल मुझे भी लगता है, मैंने काउंसलिंग के वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था कि पिछले और कुछ और सालों से इस साल कुछ ज़्यादा ही इसका आपको प्रॉब्लम हो रहा था। एंड अब बस आप ये समझ लेना कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और 500 के अंदर ही, अगर CSE चाहिए तो आपको 100-200 के बीच में ही आपको रैंक रखना पड़ेगा, ठीक है। और आउटसाइड होने के, अगर आउटसाइड हो तो फिर
100 के अंदर ही रखना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है भाई, बहुत ही टॉप लेवल का। अगर इसकी प्लेसमेंट सुनोगे ना, शॉक रह जाओगे, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं हॉस्टल के बारे में। देखो हॉस्टल के बारे में मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। देर आर टोटल 13 हॉस्टल, ठीक है ना। 13 हॉस्टल वाय 9 आर बॉयज़ एंड 4 ऑफ गर्ल्स। यार बधाई हो यार लड़कियों, आप लोगों के लिए हॉस्टल होता है, हर जगह पे होता है, इसमें भी हो रहा है, ठीक है ना। अब फर्स्ट ईयर यू विल बी एलोटेड टू हॉल नंबर 19, जो कि कुछ क्या नाम था, मैं कुछ अलग से मैं कुछ नाम था यार उसमें। हॉल 9 और नंबर 18-19 में आपको फर्स्ट ईयर, जो कि आप फ्रेशर्स हो, तो आपको वहाँ पे एलोटेड किया जाएगा। एंड वहाँ पे आपको एक रूम पे 4 बच्चे रहना पड़ेगा। यार देखो यार, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार भैया इसकी हॉस्टल की बात करूँ तो आप यूट्यूब खोल के देख लो यार, शायद ही आपने देखा नहीं। एक बच्चे ने ऐसे रिव्यू दिया था कि मतलब कि आप बताऊँ पूरी ज़िंदगी पढ़ाई बंद कर दूँ लेकिन इस हॉस्टल पर ना जाऊँ। लेकिन एक बात सोचो यार, आप सीधी 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 बात ये बताओ कि आप फीस कितना दे रहे हो। ये देखो यार, फीस कितना दे रहे हो। देखो जितना फीस दे रहे हो ना, उसमें तो आपका मैंने पूरे साल भर में आपको टिफिन के चाय में चला जाता है, ठीक है ना। ये बता देते हैं, अगर उस तरीके से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको हॉस्टल मिल रहा है। अगर इस पूरे साल भर की 180, समझ रहे हो, पूरे साल भर की 180 फीस है, इस बात को दिमाग में रखना। एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर, यू एलोटेड बी हॉल नंबर 11, व्हिच इज शेयर बाय 2 और 3 पीपुल, हाई स्पीड इंटरनेट, एलन केबल। पूरे कोलकाता में, मैंने एक बच्चे से, एक बच्चे ने कमेंट किया कि पूरे कोलकाता में सबसे ज़्यादा अगर स्पीडी नेट मिलता है वो होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी के इस एरिया में, ठीक है ना, इस कैंपस में मिलता है आपको, वरना कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। पूरा इससे ज़्यादा स्पीड तो पूरे शायद ही पूरे वेस्ट बंगाल में मिलता है, ठीक है। अब एक्सेप्शनली हाई फ्रीडम आपको मिलेगा। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइमिंग्स एंड इवन टू मूव इन एंड आउट ऑफ द अदर हॉस्टल्स, ठीक है ना। एक दूसरे हॉस्टल से आपको जाने के लिए कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप अपने दिमाग में रखना। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं भाई, सब बता दिया, प्लेसमेंट बता दिया भाई। प्लेसमेंट सुन के झटका लगेगा कि प्लेसमेंट किसी सीएससी बच्चे को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं मिला। जी हाँ, आपने सुन रहे हो, सीएससी बच्चे को हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं मिला। ई वाले यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियर वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज मिला, 65 लाख पर एनम, जो कि एटलासन ने दिया था, ठीक है ना। 65 लाख पर एनम जो कि एटलासन ने दिया था। एंड सीएससी की बात करूँ तो 58 लाख सबसे ज़्यादा जो कि गूगल ने ऑफर किया है। एंड एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 20.6 लाख। भाई पूरे इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज होगा, आईआईटी को इंक्लूडेड आईआईटी, एवरेज पैकेज जिसका 20.6 लाख पर एनम से ज़्यादा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, मैं हर एक की मैं रिव्यू लाऊंगा, आप देख लेना कि 20.6 लाख एवरेज पैकेज से ज़्यादा। अब वहाँ पे बच्चे लाखों करोड़ों खर्च करते हैं भाई, लेकिन इससे ज़्यादा फीस, इससे ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं मिलता भाई। क्या है इस कॉलेज में, क्या है, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि यार ये WBJEE के लिए या फिर वेस्ट बंगाल के लिए एक इमोशन है भाई, इमोशन, ठीक है, समझ रहे हो, इमोशन। अब बता रहे हैं, अब ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वो स्क्रीन पे सो रहा हो रहा है उसको अब देख लेना यार, किस पे ज़्यादा किसके एवरेज। हर एक डिपार्टमेंट के मैंने अलग अलग से बना दिया है, तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे अगर आपका हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो एवरेज पैकेज है ना 8 लाख पर एनम, एंड हाइस्ट पैकेज है 17.6 लाख पर एनम जो कि गेल से मिला था। केमिकल इंजीनियरिंग 6 लाख पर एनम, 16.8 लाख पर एनम। एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, भाई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कोई लेता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लो यार, हाईएस्ट पैकेज आपको मिल गया है 22 लाख्स, समझ रहे हो, 22 लाख्स, 22 लाख्स आईआईटी का, समझ रहे हो। आपको आईआईटी बिलाई शायद, आपको मैं रिव्यू दे दूंगा, आईआईटी बिलाई का हाईएस्ट पैकेज मिला था 22 लाख पर एनम। आईआईटी समझ रह सकते हो, पूरे मतलब इस होल कॉलेज की मिला था 22 लाख पर एनम, और यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को 22 लाख पर एनम। भाई किस लेवल का ये, मतलब कि नेक्स्ट लेवल का है, आप समझ सकते हो कि किस लेवल का ये कॉलेज है। प्रोडक्शन में जिससे कोई लेता नहीं है भाई, कोई लेता नहीं है, पढ़ाई बंद कर देता है लेकिन प्रोडक्शन कोई लेता नहीं, उसमें 22 लाख पर एनम जो कि हाई पूरे आईआईटी से सबसे ज़्यादा ये पैकेज है। इसी तरह और भी सारे पैकेज, अगर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करूँ 5.5 लाख, एंड हाइस्ट 11 लाख पर एनम। ऐसे ही बहुत सारे हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 7 लाख पर एनम जो कि JS Associate ने दिया था। एंड कंपनी की विजिट की बात करूँ भाई, कंपनी गूगल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, अमेजन आता है, गोल्डमैन सिक्स आता है, एटलासियन कोऑर्डिनेशन आता है, शॉपी सिंगापुर आता है। भाई
नेक्स्ट लेवल वाले ये सब आते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद करते हैं प्लेसमेंट की, और एक बात करें कि देर आर टू मोर डिपार्टमेंट इन जेयू, नेम आर्किटेक्चर एंड फार्मेसी, वायर द एवरेज पैकेज इज अराउंड 3.6 लाख पर एनम, हाईस्ट पैकेज इज अराउंड 5.6 लाख पर एनम। देखो यार, आर्किटेक्चर बहुत सारे बच्चे आर्किटेक्चर एंड फार्मेसी में इसमें एडमिशन लेते हैं, ज़्यादातर बंगाल के बच्चे इसमें फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है भाई, इतने फीस में तो मैं बोलूँगा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नोटेबल एलुमनी। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी यार, इसमें जितने सारे बच्चे जितने भी हैं, ये कोई रितिवर्णा घोष है जो कि बंगाल की कोई शायद हीरोइन होगी यार, ठीक है ना, या फिर सेलिब्रिटी होगी, एंड वाइस चांसलर आसाम यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ है। लेकिन पूरे दिल से सच बात बताऊं तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं पहचानता, ठीक है ना, किसी को भी नहीं भाई। नोटेबल तो और भी है, मुझे और भी मिला था बस, लेकिन मैंने इतना ही दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको, यार मुझे भी नहीं लगता कि आप इनमें से किसी को पहचानते हो। अगर आप किसी को पहचानते हो यार तो कमेंट करो यार, कमेंट करो, किसी को पहचान तो मुझे भी मालूम हो जाएगा कि यार कोई तो पहचानता है इनमें से, मैं नहीं तो कोई और सही, ठीक है। चलो अब दूसरे और चलते हैं कि एकेडमी। यार देखो यार, ये इतने बड़ा इसे मैंने कि लिख दिया क्यों यार, ये कोई यूपीएससी का इसे नहीं है, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन पेपर नहीं है। मैं यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ स्टूडेंट रेशियो एकेडमीज के बारे में किसी बच्चे ने बताया था कोरा पे, मैं उसे पूरा ही मेंशन कर दिया। मैं उस बच्चे को थैंक्स बोलना चाहूँगा, ठीक है ना, जिसने मेंशन किया। यार भाई ऐसा नहीं बोलना कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसने मेंशन किया लाइब्रेरी के बारे में, करिकुलम के बारे में, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स एंड रिसर्च। जो भी बच्चे रिसर्च में जाते हैं यार, इसे आप ध्यान से देख लो यार, इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। आप इसे पॉज करके वीडियो को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इस पर ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। आपको ये भी दिखाना है, क्या बोलते हैं यार उसे, यार कैंपस टूर भी करवाना है यदि अगर हो सके तो। अब कल्चर की बात करूँ तो वही सेम है यार, पॉलिटिक्स की, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से एनआईएफ रैंक या फिर कोई भी हर वक्त गिरता जा रहा है। क्यों भाई यार, मुझे पता नहीं चलता यार इन लोग पॉलिटिक्स में क्यों इतना इंटरेस्ट है, हर वक्त पॉलिटिक्स में घुसे रहते हैं कुछ ज़्यादा ही। मैं इस पर गौर करता हूँ यार, मैं किसी को यार दोस्त किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जो देखा है ना, जो भी मुझे गूगल वगैरह से जो भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिला, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना यार, बहुत ही टॉप लेवल के बंदे हो। लेकिन कुछ भी हो यार, चाहे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो या फिर किसी और में इन्वॉल्व हो या फिर बंदे के पीछे भागो, लेकिन कॉलेज का जो पैकेज है वो भाई नेक्स्ट लेवल है, फाड़ू है भाई, फाड़ू है। अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, हर एक स्टूडेंट यार हर एक जगह से आते हैं, एंड क्या बताएं, और कुछ नहीं यार। आप अगर कुछ जानना हो तो पढ़ लेना यार, वीडियो को पास करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। एंड एवेंट डिटेल्स, यार भाई ये क्या होता है भाई, यार मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है, ठीक है ना, मैंने पहले तो पता ही नहीं था भाई। एमएनडीजी और कुछ नहीं यार, आपको कितना यह सुविधाएं मिलती है या फिर कितना अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉलेजों में, कॉलेज के रेस्टोरेंट यार बोलते हैं, इस यहाँ के रेस्टोरेंट बंगाल के बच्चे के लिए जान होता है, ठीक है ना, जान मतलब कि ये देखो यार, किसी ने बताया कि वन वर्ड एक्सीलेंट, मतलब और कुछ डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं। टॉयलेट्स की बात करूँ तो यार, टॉयलेट्स ये सब कर लेना आप लोग, पढ़ लेना यार, किस किस बारे में बता रहा हूँ भाई, मैं सब उठाता नहीं, किसी बच्चे ने दिया था उसने तो मैं बताता, मैं बस इतना मेरा टारगेट था कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ और कहीं ना जाना पड़े, ठीक है ना, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। इसलिए मैंने आपको चैलेंज किया था यार, एक भी इन्फॉर्मेशन मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना, एक भी इन्फॉर्मेशन जो कि देना चाहिए मैं छोड़ा मैंने छोड़ा नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करना यार, और वीडियो कैसा लगा वो तो बताना। एंड ग्रीनरी, ग्रीनरी यार वेस्ट बंगाल कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी है, पूरा कोलकाता में है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई, बढ़िया। आप मेट्रो सिटी है सबसे पहले, वो पूरे इंडिया की सबसे फास्ट मेट्रो सिटी है, एज ए मतलब कि कोलकाता बहुत ही बढ़िया सिटी है, ठीक है ना, आपको भाई मुंबई वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए शुरुआत करते हैं, अब क्या बताएं आपको, वैल्यू फॉर मनी। देखो यार, अगर मेरी पर्सनल राय की बात करूँ, स्कॉलरशिप जितने आपको पैसे मिलते हैं ना, आपको जितना इसका देना पड़ेगा मतलब कि कॉलेज की फीस, वो तो आप पूरे साल में, एक साल में आपको चाय में उड़ा देते हो, ठीक है ना भाई, एक साल में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है ना।
पूरे बीटेक की 10 से 11 हज़ार रुपये पूरे बीटेक की चार्ज है। हाँ ये अलग है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा देर है। अब ऐसा क्यों है भाई, इन्फॉर्मेशन से कुछ बच्चे के सवाल करेंगे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा क्यों है। यार देखो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले था नहीं, इसका मतलब नहीं है कि पहले था नहीं, ये हाल ही में आया है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर से आया है जिसकी वजह से उसे फंड अभी तक मिला नहीं, ठीक है ना भाई। अब फंड नहीं मिले तो वो पैसे कहाँ से ले, बताइए वो पैसे कहाँ से ले। अब वो तो बच्चे से लेंगे ना, ऐसा नहीं कि पूरे पैसे भी बच्चे से ले है। कुछ कॉलेज मैनेज कर रहे हैं, कॉलेज का जो कि मैनेजिंग है वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, बाकी बच्चे से ले रहे हैं। धीरे मैं उम्मीद करता हूँ बाद में कुछ साल बाद या फिर अगले 2-1 साल में वो भी कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मुझे पूरा यकीन है भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई, और क्या बताऊँ। और बाकी आप देख लेना यार, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर कर दो, और क्या बताएं कुछ अच्छा से कमेंट करो जिसे सुन के मुझे तसल्ली आ जाए और आपको एक क्या बताएं। बाकी इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपका सपोर्ट रहता रहेगा। मैं वीडियो आप इसी तरह कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी बताना यार। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फुल्ली डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप किसी भी दे सकते हो, मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपके लिए, वरना अगर फिर भी कोई भी अगर आपको शिकायत रह गई हो तो कोई नहीं यार, दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे, वरना आप मुझे सोशल मीडिया में मुझे शिकायत कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।